आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is, one faraday of electricity deposits one mole of Na from the molten salt, but 1/3 moles of aluminium from an aluminium salt. अब ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है, ठीक है? तो अगर हम कैथोड की रिएक्शन देखें सोडियम के केस में, तो क्या होगा? Na plus एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बना देगा, और एल्यूमिनियम की देखें तो एल्यूमिनियम प्लस थ्री होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम बनाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं Na+2Na के केस में, तो 1 मोल ऑफ Na का डिपोजिशन हो रहा है। और अब यहाँ पे देखो तो 3 फैराडे का हम जब इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं ना, तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। मतलब जब 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो कितने मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम बनेंगे? 1/3 मोल्स ओनली, है ना? तो इसके कितने मोल्स हो जाएंगे? 1/3। तो ये क्यों हो रहा है कि कितने फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि एल्यूमिनियम प्लस थ्री 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम बनाएगा, तो उसको 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है ना? 1 फैराडे का मतलब क्या होता है? 96500 कूलम ऑफ एनर्जी, सॉरी 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके? तो इस केस में 1 फैराडे चाहिए, 1 मोल बनेगा। इस केस में जब 1 फैराडे हम डालेंगे तो 1/3 मोल बन जाएंगे। तो ये दोनों जो रिएक्शंस हो रही हैं कैथोड पे, इसी से ये आंसर बहुत क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।